So hey everyone, welcome and welcome back to my channel. First of all, very happy Navratri to all. गाइज, जैसे कि आपको पता है आजकल चल रहे हैं नवरात्रि, तो हम लोग हैं काफ़ी बिजी और आजकल हमारे श्रीनगर की रामलीला भी शुरू हो चुकी है, तो अभी कितने दिन तक तुम जा नहीं पाए। गोली दर तो आओ। और ये है मेरा गोलू, और इस बार की रामलीला में जो अभिषेक है, गोलू अब क्या बनने वाले हो ये तो बता दो। इस बार की रामलीला में अभिषेक निभा रहे हैं रावण का पात्र। नहीं, भरत। भरत के पात्र, लाफिंग बुद्धा, कृष्णा बनना राम। इस बार नो बेबी, इस बार गोलू बन रहा है, भरत का पात्र निभा रहा है, और आज जो है उसकी टर्न है, आज उसका एक्ट होगा, मतलब राजा भरत। तो गोलू, आर यू एक्साइटेड या फिर आर यू नर्वस, कैसा लग रहा है आपको? दोनों क्या लगता है? तो आज हम शाम को जाएंगे रामलीला और अभिषेक की रामलीला देखेंगे, कैसा कैसा करता है लड़का। काम भाग रहा हूँ। तो आज नवरात्रि का पाँचवा दिन है और अभी मैं बना रही हूँ प्रसाद। ये देखिए, ये है पिंजरी, इसमें डाला है गुड़ और आटा और घी, उसके बाद इसे भून लिया अच्छे से। तो ये रेडी हो गया हमारा प्रसाद, और हमने बनाया है प्रसाद में पिंजरी और साथ में माता जी के फेवरेट गुलगुले। तो चलिए, इनको मैं पहले पूजा में चढ़ाऊंगी। यहाँ पर आप भगवान राम के वनवास की एक झलक देख सकते हैं। तो ये है केवट लीला की एक छोटी सी झलक। कौशल्या संवाद शुरू होने जा रहा है। नहीं
स्मरण भाव होते बेटा भरत कहो कुशल से तो हो ना ननिहाल में सब कुशल से तो है ना क्यों हुई है आपके चेहरे पर ये उदासी क्यों है माता बेटा भरत धैर्य धारण करो बेटा मैं तुम्हें सब बताऊंगी विश्राम तो करो कैसा विश्राम माता धैर्य धारण करो क्या है ये माता आप स्पष्ट क्यों नहीं बताते मुझे स्पष्ट जानना है ऐसा क्यों हो रहा है बताती हूँ तो सब बताऊंगी जो होना था पुत्र वो हो गया अब तुम धैर्य धारण करो पुत्र किंतु माता इस अंतिम समय में भी मैं पिताजी के अंतिम दर्शन नहीं कर पाया माता मुनि को कोई नहीं डाल सकता पुत्र अंतिम समय पुत्र वो केवल राम को याद कर रहे थे पुत्र तुम्हारा तो उन्होंने नाम भी नहीं लिया पुत्र धैर्य धारण कर पिताजी बहुत व्याकुल थे हाँ बेटा वो बहुत व्याकुल थे उन्होंने राम लक्ष्मण और सीता के विरह में अपने प्राण त्याग दिए पुत्र क्या कहा माता पिता के अंतिम समय में भैया राम और लक्ष्मण नहीं थे माता सीता भी नहीं थी नहीं पुत्र उनके साथ कोई नहीं था पुत्र भैया राम लक्ष्मण कहाँ है माता माता सीता कहाँ है लंबी कहानी है किंतु फिर भी सुनो पुत्र मैंने एक बार महाराज दशरथ के प्राणों की रक्षा की थी और उन्होंने प्रसन्न होकर मुझे 2 वर दिए थे पुत्र और वो वर मैंने उनसे मांगे पुत्र क्या वर मांगे माता पहले वर में पुत्र तेरे लिए अयोध्या का सारा राज्य मांग लिया पुत्र मैंने और दूसरे वर में राम को 14 वर्षों का वनवास अच्छा ऐसी बात है अब समझ में आया ये आप तो नहीं लगाई है पापे इस राजपाट के लिए तूने मेरे पिताजी की बलि चढ़ा दी बड़े भाई राम मेरा प्रिया लक्ष्मण और माता वन भेज दिए मैं क्या करूँगा ऐसे राज का मुझे ऐसा राज नहीं चाहिए ये क्या कह रहे हो भारत छोड़ दिया मैं छोड़ दिया
ये क्या कह रहा है बेटा? मैंने तो सब तेरे लिए किया है ना पुत्र। नहीं माता। ये क्या कह रहा है पुत्र को? नहीं बाबे, मैंने गलत किया है। ये मैंने अपने लिए किया है क्या? तुझे क्या की नारी बाबू, तुझे क्या की नारी भरत, पिताजी नहीं दिखाई दे रहे, माताएं तो यहाँ हैं। पिताजी थे दुखी भाई, कहो क्या उनकी हालत है। पिताजी थे दुखी भाई, कहो क्या उनकी हालत है। Yeah।
ये सब क्या हो गया? और तुम अयोध्या को छोड़कर यहाँ वन में आ गए, क्या सोच कर आ गए भैया? भैया, भरत तो निजी जानता है और मैं कहना चाहता हूँ जी भैया।